एक मिनट होल्ड होल्ड इट प्लीज, लेट्स गो। श्रीरामचंद्र स्वभगवानद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवस्सः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानदेव सवितुर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चय यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। किसी भी व्यक्ति, जाति, समाज व राष्ट्र को यदि गौरवपूर्ण जीवन जीना हो तो उसके जीवन में चार चीजों का होना परम आवश्यक है, जिसे वैदिक ऋषियों ने ज्ञान, शक्ति संपत्ति और भक्ति कहा है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अपना न तो लौकिक विकास कर सकता है न पारलौकिक ही। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति का न तो यही लोक बनता है और न तो परलोक ही। इसलिए ज्ञान की उपलब्धि जिस किसी भी प्रकार से हो व्यक्ति को करनी चाहिए। शास्त्रकारों ने तो यहां तक लिखा है कि जैसे कोई अमूल्य रत्न किसी कीचड़ में पड़ा हुआ हो तो वहां से भी उसे उठा लेना चाहिए, इसी प्रकार से ज्ञान यदि किसी निम्न कोटि के व्यक्ति के पास हो तो वहां से भी उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही जीवन के संपूर्ण विकास में एकमात्र उपयोगी तत्व है। गीता में भगवान ने स्वयं ये बात समझाते हुए कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस सृष्टि में और कोई दूसरा तत्व नहीं है। भगवान ने भी बताया कि बहु ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। अब तक बहुत से जीव ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। यह जीव ज्ञान के प्रकाश में ईश्वरत्व को भी प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि जीव ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। किंतु अज्ञानतावश वह अपने आप को शरीर में आबद्ध हुआ जान करके, संसार में आबद्ध हुआ जान करके तुच्छ समझने लगता है। यदि उसकी अज्ञानता ये दूर हो जाए, उसके अंतर में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाए तो उसे अपने स्वरूप और उसके कारण का यथार्थ बोध हो सकता है। और जब व्यक्ति के अपने यथार्थ स्वरूप और कारण का बोध हो जाता है तो उसमें ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है, वह स्वयं में ईश्वरत्व से युक्त अनुभव करता है। इसलिए ज्ञान की उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। यदि कोई भी व्यक्ति लौकिक उन्नति चाहता है तभी वह ज्ञान के प्रकाश में ही कर सकता है। आप सभी जानते हैं इस विश्व में एक छोटा सा देश है भूमि की दृष्टि से जिसका नाम है जापान।
वहां कोई नेचुरल सोर्सेज भी नहीं है, प्राकृतिक संपदा का कोई स्रोत नहीं है। और वह आज से कुछ वर्ष पूर्व प्राय नष्ट हो चुका था, किंतु वहां के लोग ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को इस समय विश्व में सबसे विकसित और संपत्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किए। उसमें ज्ञान ही कारण रहा है और दूसरा नहीं। आज भी दुनिया में जहां कहीं वैभव आपको दिखाई दे रहा है, उस वैभव में ज्ञान ही कारण है। आज भी दुनिया में जहां कहीं भी प्रोस्पेरिटी है, संपत्ति है, शक्ति है, वह ज्ञान के प्रकाश में ही उपलब्ध हुई है। जिन देशों को आप शक्तिशाली समझते हैं, उन देशों के लोगों ने ज्ञान की आराधना की है, ज्ञान के प्रताप से ही वो शक्तिशाली बने हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति, जाति, समाज व राष्ट्र को यदि उन्नत होना है तो सबसे पहले उसे ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। मेरी तो ये राय है कि यदि कोई गिरी हुई जाति है, गिरा हुआ समाज है, गिरा हुआ राष्ट्र है, उसको यदि उन्नत करना है तो उसको धन से मदद मत करो, उसको ज्ञान प्रदान करो। यदि वह ज्ञान युक्त हो जाएगा तो अपने आप अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ लेगा। लेकिन अज्ञानी को यदि तुम हर एक प्रकार की संपत्ति से युक्त कर दोगे तब भी अपना सर्व कुछ नष्ट कर देगा, क्योंकि अज्ञान सदैव मनुष्य के विनाश में हेतु होता है और ज्ञान सदैव मनुष्य के विकास में हेतु बनता है। इसलिए याद रखो, आप किस वर्ग से संबंधित है इससे मेरा कोई मतलब नहीं, आपका क्या विश्वास है इससे मेरा कोई मतलब नहीं, आप किस धर्म को मानते हैं इससे मेरा कोई मतलब नहीं, आप किस देश के रहने वाले हैं इससे भी मेरा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि यदि आप मनुष्य हैं तो आपके मनुष्यता में मुख्य हेतु ज्ञान है। ज्ञान के नाते ही, बुद्धि के नाते ही मनुष्य की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। अन्य प्राणियों में भी इंद्रियों के वो सारे प्रवाह चलते हैं, अन्य प्राणियों में भी खाना पीना, अन्य प्राणियों में भी संतानोत्पत्ति की प्रक्रियाएं देखी जाती हैं, किंतु अन्य प्राणियों में वो क्षमता नहीं है कि अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके और ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। इसलिए ज्ञान पूर्ण कोई योजना बना करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य अन्य प्राणियों में नहीं है। मनुष्य से अधिक शक्तिशाली जीव पड़े हुए सृष्टि में, आप लोग जानते हैं, इसी सृष्टि में, इसी धरती के ऊपर हाथी ऐसा विशालकाय एक प्राणी है। ज्ञान के अभाव में वह कुछ नहीं कर सकता। एक मनुष्य छोटा सा लोहे का टुकड़ा लेकर, जिसे अंकुश कहा जाता है, उसके मथे पर बैठकर उसे संचालित करता है। इसलिए आपके पास यदि विशालकाय हो जाए, आपको यदि शक्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन वो शक्ति ज्ञान विहीन हो तो उसका कोई प्रयोग नहीं होता, वो पशुता का बल कहा जाएगा। आप लोग ये भी देखते हैं, जलीय जंतुओं में व्हेल ऐसी विशाल काय मछली है, लेकिन वह ज्ञान के अभाव में केवल अपना उदर पूर्ण कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मनुष्य की श्रेष्ठता ज्ञान द्वारा ही सिद्ध होती है, ये बात याद रखना चाहिए। और बिना ज्ञान के न तो आपका लोक बनेगा, न तो परलोक बनेगा। केवल विश्वास आपको किसी लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता, ये मेरी बात याद रखना। केवल श्रद्धा के नाते आप कहीं नहीं पहुंच सकते। हाँ, यदि श्रद्धा ज्ञान की प्राप्ति में आप प्रयोग करते हैं तो आपका उत्थान होगा। गीता में भगवान ने एक बात समझाई है, श्रद्धामान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा से युक्त है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान की प्राप्ति में दो साधन और बताए गए हैं, तत्परता और इंद्रिय संयम। यदि आप तत्पर नहीं है, यदि आपके हृदय में लगन नहीं है प्राप्त करने की, तब भी आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि इंद्रिय संयम नहीं है तब भी आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि वह संसार के भोगों को भोगता हुआ ज्ञानी बन जाएगा, यह असंभव है। इंद्रिय संयम के बिना बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, बुद्धि एकाग्र होने बिना, शुद्ध होए बिना ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए बिना तत्परता के, बिना इंद्रिय संयम के, बिना श्रद्धा के
कोई ज्ञानवान नहीं बन सकता। ये बात याद रखिए, जीवन के विकास में पहला स्थान ज्ञान का है, ज्ञान के पश्चात दूसरा स्थान। आप जानते हैं, भली प्रकाश जानते हैं कि परमात्मा के विधान में आपको तीन साधन मिले हैं। ये तो आपका मस्तक है जो ज्ञान का स्रोत है, दूसरा आपका हृदय है जो शक्ति का स्रोत है और भक्ति का स्रोत है, तीसरा आपके पास साधन है हाथ जो कर्म का स्रोत है। इसलिए यदि आप पहले हेड जिसे कहते हैं, पहले आप मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ज्ञान की उपासना करते हैं, ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, तब दूसरा स्थान आपका हृदय का आता है। हृदय जो है ये शक्ति और भक्ति दोनों का मूल स्रोत है, क्योंकि आप जानते हैं विगर एंड इमोशन बोथ आर प्रॉपर्टी ऑफ योर हार्ट। शक्ति और भक्ति दोनों हृदय की संपत्ति है, बल और जो भक्ति जिसे कहा जाता है वह दोनों हृदय से प्राप्त होती है। आप लोग जानते हैं संसार में शक्ति के बिना आप अपने ज्ञान को क्रिया रूप में परिणत नहीं कर सकते, इसलिए ज्ञान के पश्चात दूसरा स्थान शक्ति का है। यदि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं और ज्ञान के अभाव में करते हैं तो वह शक्ति आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी, और यदि ज्ञान के प्रकाश में शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आप सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञान और शक्ति ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में पढ़ा भी होगा, हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये राम कार्य कर सकेंगे वा नहीं, तो सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा हनुमान की परीक्षा लेने आई और परीक्षा में जब हनुमान जी सफल हुए तो उसने क्या कहा था, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आसिक जे ईशो हरस चले हनुमान। कहने का अभिप्राय कि जीवन के उत्थान का कार्य वही पूर्ण कर सकता है जिसमें बल और बुद्धि का संयम, जिसमें बल और बुद्धि का योग हो। ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें बताया गया है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उचरत स तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवासहाग्निना। जहां ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ चल रहे हो, ब्राह्म बल माने बुद्धि बल, छात्र बल माने बल शक्ति बाहु, जहां दोनों प्रकार के बल एक साथ चल रहे हो वहीं पर मनुष्य जो है दिव्यता को प्राप्त करता है, पूर्णता को प्राप्त करता है, वहीं पर मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो आपके जीवन के विकास में, आपके लोक और परलोक की साधना को संपन्न करने में ज्ञान के पश्चात दूसरा स्थान आपकी बुद्धि का है, बल का है, आपकी शक्ति का है। यदि आप अपनी शक्ति को नहीं संभालते, अपनी शक्ति को यदि संयमित नहीं करते, अपनी शक्ति का यदि सही रूप में प्रयोग नहीं करते, तभी आपका लोक और परलोक नहीं बनेगा। ये बात मेरी याद रखना, ज्ञान के प्रकाश में ही शक्ति की प्राप्ति होती है और ज्ञान के प्रकाश में ही शक्ति का प्रयोग करने से मनुष्य महान बनता है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली हुए हैं लेकिन ज्ञान का अभाव होने के नाते उनकी शक्ति आसुरी शक्ति कही गई है। दुनिया में ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे जो महान शक्तिशाली थे लेकिन ज्ञान के अभाव में, सही ज्ञान न होने के नाते वो असुर कहे गए, वो राक्षस कहे गए, वो देवता नहीं कहे गए, वो आराध्य नहीं हुए, वो वंदनीय नहीं हुए, वो माननीय नहीं हुए, मनुष्य के लिए वो आदर्श नहीं बने, बल्कि मनुष्य के लिए वे आज भी निंदनीय बने हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप ज्ञान का उपार्जन कीजिए, ज्ञान की आराधना कीजिए और ज्ञान के साथ ही अपने आप में शक्ति का सृजन कीजिए। शक्ति के अभाव में कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र सम्मान से जी नहीं सकता। याद रखियो, आचार्य चाणक्य की घोषणा है, वीर भोग्या वसुंधरा। ये वसुंधरा जो है वीरों से ही भोगी जाती है और परमार्थ जो है वो भी वीरों को ही प्राप्त होता है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो, ये वेद का निर्देश है। जो निर्बल है, कायर है, वह परमात्मा को भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए
आत्म उपलब्धि करना है या संसार में वैभव की प्राप्ति करना है, उसके लिए शक्ति का होना आवश्यक है। निर्बल व्यक्ति क्या करेगा? आप जरा सोचिए, आपको ध्यान करने बैठना है एक घंटे, आधा घंटे आप बैठे, यदि आप निर्बल हैं तो एक घंटे आराम से आप बैठ नहीं सकते एक आसन से। यदि आप एक आसन से घंटे बैठ नहीं सकते तो आप आराधना क्या करेंगे, उपासना क्या करेंगे, आप ध्यान कैसे करेंगे, आपका आंतरिक विकास कहां से होगा? और यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आप परिश्रम कैसे करेंगे? और बिना परिश्रम के कोई पदार्थ प्राप्त होता है? असंभव है। इसलिए ज्ञान के साथ शक्ति की आवश्यकता होती है। ज्ञान और शक्ति ये दोनों यदि युक्त हो जाएं तो अपने आप में संपत्ति का निर्माण हो जाएगा। संपत्ति जो है ज्ञान और शक्ति की अनुगामिनी है। जिन देशवासियों के पास ज्ञान और शक्ति है वहां आज संपत्ति का अंबार लगा हुआ है, और जिनके पास ज्ञान और शक्ति नहीं है वो उनके पास संपत्ति के स्रोत होते हुए भी वो दरिद्री बने हुए हैं। इसलिए याद रखिए, ज्ञान और शक्ति के द्वारा ही आप संपत्ति का सृजन कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की घोषणा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां शुद्ध मति है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, वहीं पर नाना प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। जहां कुमति है, कुत्सित मति है, अज्ञान है, वहां पर संपत्ति नहीं आती, वहां तो विपत्ति और विनाश निश्चित होता है। इसलिए मेरी राय है कि पहले आप ज्ञान की उपासना करें, ज्ञान के प्रकाश में फिर शक्ति का सृजन करें, और ज्ञान और शक्ति के प्रयोग से आप संपत्तिशाली बने। क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ये गोस्वामी जी की घोषणा है कि दरिद्रता से बढ़कर और इस संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है। दरिद्र व्यक्ति को, दरिद्र जाति को, दरिद्र समाज को, दरिद्र राष्ट्र को कहीं भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं मिला है। मैं 12 महीने में, आप लोग जानते हैं, दुनिया का आधा हिस्सा घूमाता हूं, और जिन जिन देशों में मैं जाता हूं, जहां भी मैं देखता हूं, सब जगह एक ही नियम है, जो व्यक्ति दरिद्री है, जो समाज दरिद्री है, जो राष्ट्र दरिद्री है, समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। जो संपत्तिशाली है, शक्तिशाली है, समाज में वो आदर के साथ रहते हैं। इसके लिए मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सर्वमान्य सत्य है, इसलिए आप सभी इस बात को जानते हैं। याद रखो, ज्ञान और शक्ति के संयुक्त प्रयोग में ही आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी, आप संपत्तिशाली बनेंगे। और संपत्ति है, ज्ञान है, शक्ति है, ये तीनों यदि आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन इन तीनों के साथ यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ये सब कुछ होते हुए भी आप समाज में आदर के पात्र नहीं बन सकते, समाज में गौरवशाली स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि भक्ति जो है वही आपको इन तीनों के अहंकार से मुक्त कर सकती है। आप जानते हैं ज्ञान का भी अभिमान होता है, आप जानते हैं बल का भी अभिमान होता है, और धन का भी अभिमान होता है। और यदि अभिमान आ जाए ज्ञानी के जीवन में, धनी के जीवन में, शक्तिशाली के जीवन में, तो कभी भी वो समाज में आदर का पात्र नहीं बन पाता। अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे इतिहास में, आप झांकिए, मानव जाति के इतिहास में देखिए, आप झांक करके, तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो ज्ञानी थे लेकिन अहंकार के नाते उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, जो बलवान थे लेकिन अहंकार के नाते उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, जो धनवान थे किंतु अहंकार के नाते उनको कोई स्थान आदर युक्त नहीं मिला। कहने का अभिप्राय कि ज्ञान में, बल में और वैभव में, तीनों में अहंकार आने की संभावना बनी रहती है। तुलसीदास जी ने भी लिखा अपनी रामायण में, जे ज्ञान मान विमत तो भो हरनि भक्ति ने आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादप परत हम देखत हरि। हे हरि, मैं देखता हूं जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले होकर के आपके
आपकी भक्ति का अनादर करते हैं, वे देवताओं के लिए दुर्लभ पद को प्राप्त करके भी वहां से पतित हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय, आप सभी जानते हैं ज्ञानी के जीवन में भी अहंकार आ जाता है, बलवान के जीवन में भी अहंकार आ जाता है, संपत्तिशाली के जीवन में भी अहंकार आ जाता है, और इस अहंकार से मुक्त होने का केवल एकमात्र उपाय है भक्ति। भक्ति परमात्मा के प्रति समर्पण। यदि परमात्मा के प्रति आपका समर्पण भाव बन जाए तो आप याद रखिए इन तीनों प्रकार के अभिमानों से मुक्त हो जाएंगे। और यदि तीनों प्रकार के अभिमान आपके जीवन में नहीं आएंगे तो आप समाज के लिए आदर्श पुरुष बन जाएंगे। आपका जीवन, आपके समाज का जीवन, आपके राष्ट्र का जीवन, समाज के, राष्ट्र के, व्यक्ति के जीवन का वह महत्वपूर्ण स्वरूप जिसमें ज्ञान है, शक्ति है, वैभव है और भक्ति है, वह दुनिया के लिए आदर्श बन जाता है। इसलिए यदि आप विश्व में गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, सम्मान युक्त जीवन जीना चाहते हैं, आदरपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने जीवन में इन चारों का संकलन कीजिए, इन चारों को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कीजिए। इसी में आपका कल्याण है और इसी में आपके समाज का, आपके राष्ट्र का उत्थान निहित है। याद रखिए मेरी बात, ज्ञान, शक्ति, संपत्ति और भक्ति, ये चारों जिस व्यक्ति के जीवन में हैं, ये चारों जिस जाति के जीवन में हैं, ये चारों जिस समाज के जीवन में हैं, ये चारों जिस राष्ट्र के जीवन में हैं, वे विश्व के लिए आदर्श बन जाते हैं और स्वयं में सुख और शांतिमय जीवन जीते हैं, और इस शरीर के छोड़ने के पश्चात भी वो कल्याण के भागी बनते हैं। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में भक्ति युक्त होने पर, परमात्मा के प्रति समर्पण भावना होने पर अभिमान नहीं आता, आसक्ति नहीं आती। आप जानते हैं अभिमान भी अनर्थकारी है और आसक्ति भी अनर्थकारी है। अभिमान के साथ ही आसक्ति का संबंध होता है, तो आसक्ति और अभिमान इन दोनों से बचना है। तो याद रखिए ज्ञान, शक्ति और संपत्ति के साथ परमात्मा में अनुरक्ति, परमात्मा की भक्ति का होना आपके जीवन में परम आवश्यक है। तभी आप अपने लिए और अन्य के लिए भी सुख और शांति के स्रोत बनेगी, अन्यथा नहीं। आज मैं आपको आपके जीवन के विकास और जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जिन बातों को बताया है उस पर आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसे याद रखिए। आपके पास ये सारे साधन हैं, लेकिन इन साधनों का प्रयोग करके ही आप ज्ञानी बन सकते हैं, आप शक्तिशाली बन सकते हैं, आप संपत्तिशाली बन सकते हैं, और आप परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर कृतकृत्य हो सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, अनंत मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरिओम। Good night, verse 2454. Om Vishwani Deva Savitar Duritani Parasva Yad Bhadram Tanayasva ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी।
ओम शांति 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 ओम। माय डियर सोल्स, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे ही लीड यू ऑल फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम अनरियल टू रियल, फ्रॉम डेथ टू इमोर्टलिटी। मे ही सावर अपॉन यू ऑल हिज डिवाइन ग्रेस, मे ही बेस्टो अपॉन यू ऑल हिज डिवाइन लव एंड विजडम। You know, perhaps you have heard my ideology before sometimes, and I want to tell you people what is the easier way to achieve perfection of life, because everybody wants to be perfect. Perfection of life is called moksha or emancipation. Don't think that when you will die and after death you will go in any other planets and you will enjoy emancipation or salvation. No. Emancipation or salvation means to be free from all kinds of lackness and to be free from ignorance, to be free from fear of death. These three things. You can think whatever you are doing day and night by your physical effort, by your mental effort, by your vocal. You are doing only for achieving three things: knowledge, first, and perfection, second, and fearlessness, third. But be aware, fear and lackness both are result of ignorance. Where there is ignorance, there is lackness, and there is fear too. You know, according to Veda and Bhagavad Gita, soul is manifestation of Supreme Consciousness, because Supreme Consciousness is one infinity. You know, consciousness is not component thing, and whatever is not component, that can't be divided. Division always can be in component thing, but not non-component. And your consciousness or your knowledge is not result of component, my dear. That is not property of component, nature. That is beyond nature, that really non-component. And whatever is non-component, that is absolute, that is infinity, that can't be limited, that is unlimited. So all pervasive, omnipresent, Supreme Consciousness is source of your life, your soul. It means your soul is manifestation or projection of same Supreme Consciousness. Not only your soul, also all beings. Even as a little creature where you are seeing life, maybe one cell prani, you know, being amoeba, that
smallest germ in this creation is manifestation of same supreme consciousness.